वी द पीपल, हम भारत के लोग, NRI नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो लोग भारत के हैं, समण समाज के हैं, जो बाबा साहब में यकीन रखते हैं मगर भारत के बाहर के देशों में काम करते हैं या सेटल हो गए हैं, ये वीडियो उनके लिए हैं। दरअसल ऐसा देखा गया है, जाना गया है, जो व्हाट्सएप पे या जो फेसबुक पे चीज़ें आती हैं कि जो भारत के बाहर के लोग हैं उनमें भी बड़े सारे संगठन बने हुए हैं और वो संतों को लेके भी अलग अलग बने हुए हैं, यानी जो उनके संत हैं उनके भी संगठन अलग अलग बने हुए हैं और जो एकाद संगठन है उसके भी कई सारे संगठन बने हुए हैं। इससे क्या होता है कि जब अलग अलग तरह की पोस्टें आती हैं भारत में, तो भारत में जो संगठित लोग हो रहे हैं विदा पीपल के तहत में, वो सवाल करते हैं कि हमारे लोग जो बाहर गए हैं वो अलग अलग संगठन क्यों चला रहे हैं, वो एक ही महापुरुष को साथ में अलग अलग संगठन क्यों लेके चलते हैं, या वो संतों के अलग अलग संगठन क्यों बनाए हुए हैं, क्या उनको जानकारी नहीं है, क्या ये बात क्या है। बहुत सारे लोग इसका जवाब दे सकते हैं, हम अलग शहर में रहते हैं, अलग कंट्री में रहते हैं तो हमने अलग बनाया है, हम अलग कंट्री में रहते हैं तो हमने अलग बनाया है, हमने अलग कंट्री में, मगर सभी ने क्या बनाया हुआ है, ग्लोबल या इंटरनेशनल। ग्लोबल और इंटरनेशनल का मतलब है कि सभी देशों का एक संगठन। अगर आप ग्लोबल का बनाते हैं तो अलग हो जाएगा सभी देशों का, इंटरनेशनल बनाते हैं तो सभी देशों का अलग हो जाएगा, और कई सारे इंटरनेशनल संगठनों के अलग अलग नाम बनाते हैं तो अलग हो जाएगा, और संतों के नाम से इंटरनेशनल या ग्लोबल अलग अलग बनाते हैं तो अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि उनके भी टुकड़े टुकड़े हैं, और बातचीत में जानकारी से ये पता चला था कि उनके सच में ही मनमुटाव भी हैं। तो ये जो जानकारी आती है वहाँ से, ये बड़ी अजीब सी जानकारी है कि भाई आप लोग तो संपन्न लोग हैं, अच्छे देश में हैं, वहाँ आपको लाइफ सिक्योरिटी है, आपको वहाँ पैसा मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, वहाँ जो सोशल सिक्योरिटी है बहुत बढ़िया है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ दिक्कत नहीं है और हर चीज़ बढ़िया है, कम्फर्टेबल जोन में है, फिर भी आप अलग अलग हैं। ये अलग अलग होने का अगर आप वहाँ से संदेश देंगे और यहाँ इंडिया में आएंगे और इंडिया में आके अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग बताएंगे और बड़े गर्व से बताएंगे कि मैं इस संस्था का हूँ, मैं इस संस्था का हूँ, मैं इस संस्था का हूँ, आपकी एक संस्था नहीं है, यहाँ के लोगों को क्या सिखाओगे आप? यहाँ जो आप मंचों पर भाषण देने आते हो, यहाँ जो आप जो भाषण आपके आजकल आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, बड़े गर्व से बड़ी चमक के साथ आप कहते हो, क्या भाषण सुने आपका, आप तो अलग अलग हो भाई। बाबा साहब की आप बात करते हो तो बाबा साहब की बात तो मानते नहीं, बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, हर एक आपके NRI ने एक एक बैनर लगाए हुए बाबा साहब का, बाबा साहब का दावा पूरा करते हैं मगर बाबा साहब की बात तो मानते नहीं, संगठन तो अलग अलग है आपके। जो आपके संत हैं, संतों ने कहा है कि संगत होनी चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, बताओ जरा मुझे कौन से संत ने ये कहा है कि अलग अलग संत का आप अलग अलग सत्संग कराओगे, अलग अलग भजन कराओगे, अलग अलग कीर्तन कराओगे, अलग अलग उनकी जो उनके डेरे होंगे अलग अलग होंगे, किसने कहा है? कोई संत अगर किसी ने कहा हो मुझे बता दो। तो जब आप संतों की बात करते हो तो संगत अलग अलग क्यों हैं? जब आप बुद्ध की बात करते हो तो बुद्ध के अलग अलग कार्यक्रम क्यों हैं? और जब बाबा साहब का मरण दिन आता है, जिस दिन बाबा साहब ने निर्वाण प्राप्त किया था, तो उस दिन भी आप इकट्ठे नहीं हो, यानी उनके शोक में भी आप अलग अलग हो। भाई कैसा शोक मना रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो आप इंडिया में, और यहाँ आप आते हो सूटकेस लेके और अटैची लेके और टोपी लगा के चश्मा लगा के, हम लोग बड़ा स्वागत स्वागत करते हैं, हमारे लोग, हमारे विदेश से हमारे भाई आए हैं, बाबा साहब के अनुयायी आए हैं, मगर आपका जो मैसेज है वो तो बड़ा बेकार है। हमसे कहते हो संगठित रहो, संगठित रहो, संगठित रहो, और खुद तो टुकड़ों में बटे हुए हो, टुकड़ों में बटे हुए हो, टुकड़ों में बटे हुए हो, तो ये अच्छी बात, अच्छा मैसेज नहीं है। या तो आप कहना बंद कर दो, लेक्चर देना बंद कर दो, बेहतर रहेगा, या आप इकट्ठे हो जाओ। और अगर आप इकट्ठे नहीं होते हो तो आप ये सोचो कि आप बाबा साहब का काम नहीं कर रहे हो, आप बाबा साहब के पीठ में छुरा भोंक रहे हो, उनके संगठित रहने वाले काम को, नारे को फांसी लगा रहे हो, आप बाबा साहब की बेइज्जती कर रहे हो, आप बाबा साहब का काम नहीं कर रहे हो, बाबा साहब के नाम पे अपना नाम कर रहे हो। तो आपसे निवेदन है कि आपसे लोग सीखते हैं, पूरी दुनिया की निगाह, पूरे भारत की निगाह रहती है कि हमारे जो NRI हैं वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा को ठीक करो, आप उस जानकारी को ठीक करो और एक मैसेज दो, एक वहाँ पर मीटिंग करो, वहाँ फोटो खिंचवाओ, वहाँ
अगर रविदास जी का जन्मदिन है तो उसको साथ मनाओ, वाल्मीकि जी का अगर कुछ है तो उसको साथ मनाओ, बुद्ध का अगर कुछ है तो उसको साथ मनाओ, बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ है तो उसको साथ मनाओ, किसी और महापुरुष का है तो उसको साथ मनाओ, और उसका फोटो और वीडियो भेजो, ताकि यहाँ हम लोग सीना खोल के ये कह सकेंगे, देखो भारत के लोगों, जब हमारे बाहर के लोग सब एक हैं, जो जानकार लोग हैं, जो अकलमंद लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बाहर गंवाई है, बाहर जाके मेहनत की है, तो उनसे कुछ सीखो। हमको शर्म नहीं आनी चाहिए ये कहते हुए कि देखो बाहर भी हमारे लोग अलग अलग हैं और यहाँ भी हैं। तो आप इसका ध्यान रखो और इसको एक करो आप। अगर इसको आप वहाँ एक करोगे तो यहाँ के लोगों को एक होने की प्रेरणा मिलेगी। अपनी ड्यूटी को निभाओ, अपने महापुरुषों की बात को निभाओ, महापुरुषों के नाम पे नाटक मत करो। कोई पटका बांधे, कोई कुछ बांधे, कोई किताब पढ़े और किताब माने ना, पटका बांधे मगर सबको बांधे ना, तो वो महापुरुषों का अपमान है, वो गुरु जी का अपमान है। किसी गुरु ने नहीं कहा कि आप अलग अलग काम करोगे। इसको ध्यान से रखो इसको, और जितना जल्दी हो सके हमको मैसेज दो कि आप सब एक हो, ताकि जिसके लिए आप यहाँ भाषण देते हो, जिसकी चिंता करते हो, वो लोग भी यहाँ एक हो जाएं, तभी तो हम बचेंगे। और इस बात में अगर आपको लगता है कि ये बात झूठी है, ये गलत है, तो आप बताओ कि रास्ता क्या है। जब तक हम एक नहीं होंगे तो आपको एक होना है, फिर हमको एक होना है, आप हमें मैसेज दोगे, यहाँ के लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, तो काम आसान होगा, जल्दी होगा। धन्यवाद। Thank you.